5 जनवरी को निकले थे, गुजरात के सीएम साहब आए थे, हम लोग का रैली निकाले थे, उसके बाद में उन्होंने हरी झंडी दिखाई, फिर हम लोग गाड़ी वहाँ से निकाले थे। गुजरात के अहमदाबाद के भोटा से तैयार करके राम मंदिर के गर्भगृह के शिखर पर लगने वाला धर्म ध्वज दंड आज अयोध्या पहुंचा है। यहां लगभग 44 फुट लंबे और 5.5 टन के वजन के इस ध्वज दंड के साथ ही 6 अन्य 20 फुट वाले लंबे दंड भी लाए गए हैं। भगवान श्री राम लला के मंदिर का शिखर 161 फुट ऊंचा है। शिखर पर 44 फीट का ध्वज दंड लगने पर ये जमीन से 220 फीट ऊंचाई पर लहराएगा। इसे अहमदाबाद से अयोध्या लाने वाले उदय शंकर शर्मा ने बताया कि वे इस ध्वज दंड को अहमदाबाद से 5 जनवरी को लेकर चले हैं। उन्हें यहां पहुंचने में 4 दिन लगे हैं। इसके अयोध्या के लिए प्रस्थान के समय रैली निकाली गई थी, जिसमें गुजरात के सीएम ने इसे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। बताया गया कि इस धर्म दंड ध्वज को 22 जनवरी को प्रधानमंत्री लगाएंगे। ये 7 महीने में बनकर तैयार हुआ है। गुजरात की कंपनी अंबिका इंजीनियर वर्क्स ने इसे तैयार किया है। अहमदाबाद भोटा से लेके आए हैं अयोध्या धाम के लिए। ये राम मंदिर शिखर के ऊपर लगने वाला है ध्वज दंड। कहाँ से लाए हैं और कहाँ लाए हैं? अहमदाबाद से अयोध्या धाम लेके आए। किस तरह से वहाँ जहाँ से लाए स्वागत हुआ इसका? वहाँ पे हम लोग 5 जनवरी को निकले थे, गुजरात के सीएम साहब आए थे, हम लोग का रैली निकाले थे, उसके बाद में उन्होंने हरी झंडी दिखाई, फिर हम लोग गाड़ी वहाँ से निकाले थे। ये ध्वजा किस चीज की है, कितनी इसकी लंबाई है? इसकी लंबाई एक ध्वज दंड की लंबाई 44 फीट है, उसके साथ में 6 छोटे ध्वज दंड है, उसकी लंबाई 20-20 फीट है। अच्छा, समय लगा यहाँ लाने में? हमको 4 दिन लगा। 5 जनवरी को हम लोग निकले। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।